नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके बेसिक नॉलेज सिविल चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए पार्ट फोर में टॉयलेट का फिटिंग। टॉयलेट का फिटिंग हमारा क्या कितने लेवल पे लगता है, शावर हो गया, मिक्सर, बाथरूम स्पाउट, वाश बेसिन का हाइट क्या होती है, बोतल ट्रे, पेंगल वाल, बाथरूम, टोटली 00 फिटिंग के साथ में आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा वीडियो है टॉयलेट से रिगार्डिंग। चलिए चालू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। शावर का जो हाइट होता है वो कितने पे लगता है, ठीक है? शावर का हाइट, ठीक है, शावर जो ओवर हेड शावर होता है उसको कितने हाइट पे लगाते हैं, 1980 mm पे, ठीक है। मिक्सचर जो हम लगाते हैं बाथरूम के अंदर, ठीक है, उसको कितने हाइट पे लगाते हैं, 910 mm पे। बाथरूम स्पाउट का हाइट कितना होता है, 710। बाथरूम स्टोव का हाइट कितना होता है, 1.30 m होता है। और बाथरूम का जो वेनिटी होता है, ठीक है, वेनिटी कितने हाइट पे लगाते हैं, 910 पे लगाते हैं। वॉश बेसिन का हाइट कितना होता है, वॉश बेसिन का हाइट हमारा 810 mm होता है। बोतल ट्रैप का हाइट कितना होता है, 460 mm होता है। एंगल वाल जो हम लगाते हैं बाथरूम के अंदर, एंगल वाल जो लगाते हैं वो कितना होता है, 410 होता है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट को जो हमारा, उसके बाद में ये सारे हो गए इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हमारा बाथरूम का मिक्सर जो होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ से टर्मिनेट कर दे रहे हैं। और ये अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट जो आता है बाथरूम मिरर, ठीक है। बाथरूम मिरर कितने पे लगेगा, बाथरूम में जो मिरर लगता है, ठीक है, मिरर का हाइट कितना होता है, मिरर का हाइट कितना होता है, 1220 mm पे टॉप होगा, ठीक है। सोप डिस्पेंसर जो हम उसके अंदर यूज करते हैं, सोप डिस्पेंसर, ठीक है, सोप डिस्पेंसर का हाइट कितना होता है, सोप डिस्पेंसर का हाइट हम लेते हैं 1.70 m, ठीक है, mm, ठीक है। उसके बाद में सोप डिस्क, ठीक है, सोप डिस्क का हाइट कितना होता है, सॉफ्ट डिस्क का हाइट कितना होता है, सॉफ्ट डिस्क का हाइट होता है 1220 mm, ठीक है। ये नोट कर लिया, इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा टॉवल रिंग, ठीक है, बाथरूम के अंदर जो टॉवल रिंग लगाते हैं, टॉवल रिंग का कितना होता है, 1220 में हमें टॉवल रिंग को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा WC, ठीक है, WC वेस्टर्न क्लोसेट, कितना टॉप होता है, 460 mm का टॉप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में टॉयलेट पेपर होल्डर, ठीक है, पेपर होल्डर कितने पे लगाते हैं, 460 mm पे इसको लगाते हैं। ये नोट कर लिया, चलिए अगला वीडियो है फ्लैशिंग जो सिस्टम यूज करते हैं, फ्लैशिंग सिस्टम जो टॉयलेट के अंदर यूज करते हैं वो कितना लेते हैं हम, 910 mm पे, ठीक है, 910 mm पर। और फ्लैश वाल जो सिस्टम की फ्लैश वाल कितनी होती है, सिस्टम की फ्लैश वाल होती है 1 m, ठीक है, 1 m पे उसको यूज किया जाता है। और उसके बाद में आ जाता है बीप कुक जो यूज करते हैं, बीप कुक, ठीक है, बीप कॉप का हाइट कितना लेते हैं, 460 mm। पार्ट फोर में हम लेके आए थे ऑल टॉयलेट की जो फिटिंग होती है उनकी हाइट। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगले पार्ट में हम लेके आएंगे ऐसा ही कोई नया धमाका। हम ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।